आपको बताऊंगा इस कहानी कि कैसे ऋषि अष्टावक्र ने 8 अंगों से पीड़ित होने के बाद ज्ञान को अर्जित किया और शास्त्रार्थ में चलती हुई प्रथा को किस तरह से बंद किया और ज्ञान अर्जित करते रहे 8 अंगों से पीड़ित विकलांग अष्टावक्र। मैं आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए कहानी को प्रारंभ करता मुझे अंदर जाने की अनुमति चाहिए। ब्राह्मण, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति क्यों चाहिए?
मैं श्रीमति को शास्त्रार्थ की चुनौती देने आया हूँ। शास्त्रार्थ? ये बालकों का खेल नहीं है, ये कुंवर कुरु बाल ब्राह्मण शास्त्रार्थ की बातें करता है। लौट जाओ यहाँ से। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे महाराज से मिलने की अनुमति दें। ठीक है बाल ब्राह्मण, तुम प्रतीक्षा करो, मैं महाराज से शीघ्र ही अनुमति लेकर आता हूँ। महाराज मुझे बोलने की अनुमति दें। महाराज द्वार पर एक बाल ब्राह्मण ऋषिबंदी को शास्त्रार्थ की चुनौती देने आया है। क्या एक बाल ब्राह्मण शास्त्रार्थ की चुनौती लेकर आया है? पेश किया जाए उसे हमारे सामने। जो आगे महाराज, महाराज ने तुम्हें सभा में आने की अनुमति दे दी है, कृपया अंदर चलिए। महाराज क्या है वो बाल ब्राह्मण जो आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है? हे बाल ब्राह्मण, तुम ऋषि बंदी के साथ शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हो? क्या शास्त्रार्थ? गुरु बाल ब्राह्मण शास्त्रार्थ करेगा। अरे बाल ब्राह्मण जाओ, पहले शिक्षा ग्रहण करके आओ, उसके बाद हमारे ऋषि बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने की सोचना। माफ कीजिए महाराज, लेकिन ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि मेरी बात पर आप सभी हंसने लगे। बाल ब्राह्मण, तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी चीज को देखकर उन सभी को हंसी आ गई, परंतु तुम क्यों हंसे हो? मुझे तो आप सभी के आंसर शरीर को देखकर हंसी आ गई। इतने सुंदर शरीर के अंदर कितनी कलुषता भरी हुई है। राजा जनक की सभा में ज्ञान की बातें ना होकर शरीर की बनावट और रंग रूप को महत्व दिया जा रहा है। बाल ब्राह्मण, सभी को क्षमा कीजिए। यदि आप ऋषि बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो हम अवश्य ही आप दोनों का शास्त्रार्थ कराएंगे। महाराज क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं इस बालक के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं करना चाहते आप उससे शास्त्रार्थ? ठीक है, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें प्रथा के अनुसार हारने के बाद जल समाधि लेनी होगी। चलिए फिर शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। सैनिक बैठने की तैयारी का प्रबंध किया जाए। जी मंत्री जी। आप दोनों शास्त्रार्थ के लिए अपना स्थान यहां भेंट कीजिए। मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य को जीवन क्यों मिला है? मनुष्य का जन्म और उसके कर्म दोनों कर्म फल पर आधारित है। जन्म से मृत्यु तक अर्थात जब तक यह जीवन है तब तक वह कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म करता रहता है। बिना कर्म किए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता, अर्थात मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए ही हुआ है। अब मेरा प्रश्न, जीवन क्या है? जो व्यक्ति अपना जीवन भविष्य अतीत में जीता है उसे श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही भूतकाल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख तो वर्तमान में ही है, इसलिए अपने वर्तमान का आनंद लेते रहना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेता है। यह केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। कहा जाता है मनुष्य जन्म प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, अर्थात मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य साक्षात्कार करना है। प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई दे वो सब प्रपंच है। मेरा अगला प्रश्न, माया क्या है? माया शब्द का अर्थ है वंचना। यह शब्द
दो अक्षरों से मिलकर बना है, माँ और या। माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है जो, अर्थात जो वास्तव में नहीं है पर दिख रही है वह माया है। जादूगर के लिए मायावी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी से माया का अर्थ स्पष्ट होता है। मेरा अगला प्रश्न, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, तुम उनके नाम उच्चारित करने होंगे? इस प्रश्न का उत्तर मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि किसी भी वेद या उपनिषद में इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ ही नहीं सकते। कारण यही है कि यह प्रश्न ही गलत है। यदि आप मुझसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो यह बताने में मैं असमर्थ हूँ, किंतु यदि आप मुझसे 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो वो कंठस्थ है मुझे। प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 वसु, 11 और 2 अश्विनी कुमारों को मिला करके 33 कोटि देवी देवता होते हैं। आप मौन क्यों हो गए? ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो। चले माला मंगाई जाए। शास्त्रार्थ में हराने के बाद जल समाधि दिलाई थी, यदि आज मैं चाहूं तो तुम्हें जल समाधि दिलवा सकता हूं, परंतु मैं इस प्रथा को यहां बंद कराने के उद्देश्य से आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। प्राण लेने से भी बड़ा पाप दंड दिया है आपने मुझे। हे बाल ज्ञानी, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे पाप हुआ है। हे बाल ब्राह्मण, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, तुम ही मुझे एक सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हो। महाराज, ज्ञान प्रदान करने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। आप मेरा पूरा राजकोष ले लें, परंतु मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। यह राजकोष तो प्रजा का है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। आप तो मुझे बस अपना मन दे दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं उसका पूर्णता पालन करूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपको आत्मज्ञान देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं जंगल में रहता हूँ, आपको जंगल आना होगा। ठीक है, अवश्य ही जंगल आऊंगा। अब आप यहाँ आ सकते हैं। ये महान बालक, कुछ समय इस स्थिति में रहने के कारण मेरे एक अंग में पीड़ा होने लगा, परंतु आप तो जन्म से ही 8 अंगों की पीड़ा से जूझ रहे हैं, फिर भी आप इतने ज्ञानी हैं। मेरे आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने के कारण
आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं अपने राज और महल का क्या करूं, मेरे लिए अब इनकी कोई अहमियत नहीं है, मैं तो बस आपके चरणों में रहना चाहता हूं। हे राजन, अब आप आत्मज्ञानी हो गए हैं, इसीलिए आपका जीवन आपके पसंद या नापसंद पर निर्भर नहीं करता। आपके लिए जंगल और महल एक समान हो गए हैं, लेकिन आपकी ये प्रजा का सौभाग्य होगा कि उन्हें एक आत्मज्ञानी राजा का आश्रय मिले। इसीलिए अपनी प्रजा की भलाई के लिए आप अपने महल लौट जाएं और अपनी प्रजा का कल्याण करें। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें। Thank you.